स्वागत है आप सबका। आज मैं छोले भटूरे बनाने जा रहा हूं। छोले भटूरे बनाने के लिए मैं कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स को यूज करूंगा आप प्लीज उसको देखें एक बार। छोले भटूरे बनाने के लिए ऑब्वियसली मेरे को भटूरे बनाने के लिए मैदे चाहिए। मैदे को मैं दही से माड़ूंगा। मैदे और दही को माड़ के मुझे करीब आधे घंटे के लिए रखना पड़ेगा या एक घंटे के लिए, जिससे कि उसे खमीर उठ जाए और उसका भटूरा अच्छा फूले। अगर आपको इंस्टेंट भटूरा बनाना है तो आप इसमें साथ में इनो भी डाल सकते हैं। छोले के लिए मैंने काबुली चने को भिगोए हुए हैं। उसमें मैं ग्रेवी बनाने के लिए, हम लोग प्याज यूज नहीं करते हैं, प्याज या लहसुन नहीं खाते हैं, तो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने मखाने का पाउडर यहां बना लिया है। इससे गाढ़ापन आ जाएगा ग्रेवी में। और उसमें मैं अदरक डालूंगा, टमाटर डालूंगा, हरी मिर्च। साथ में तड़का लगाने के लिए सरसों, जीरा, तेजपत्ता और स्वाद बढ़ाने के लिए छोला मसाला लिया हुआ है, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च और इतना नमक मैं इतने सारे छोले के लिए प्रयोग करूंगा। जब तक मेरा चना बॉईल हो जाता है, करीब मैं 3 या 4 सीटी इसको बॉईल कर दूंगा। उस बीच में मैं मैदे को दही के साथ केवल माड़ लूंगा और आधे घंटे में इंतजार करूंगा।
छोले भटूरे बनाने का प्रिपरेशन टाइम करीब करीब 1 घंटा है। अगर आपने पहले से ही आटा गूंथ के रखा हुआ है तो और भी कम समय में आप छोले भटूरे बना सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।